This is the last 5 edition of Cricket World Cup knockout stages teams. And what's the common things of the states? जी हाँ, इन लास्ट 5 एडिशन में सेमीफाइनल की टीम्स में कुछ खास फर्क नहीं आए। सेम ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इन 5 टीम्स में ना एटलीस्ट 3 टीम्स तो आपको किसी भी वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में देखने को मिल जाएगा। एंड ये स्टेट्स को देख कर मुझे बार बार एक ही चीज का रिमाइंड करता है, जी हाँ, बेसबॉल वर्ल्ड कप की। लुक एट द स्टेट्स ऑफ लास्ट 5 एडिशन ऑफ बेसबॉल वर्ल्ड कप। जी हाँ, कुछ सिमिलरिटी लगा इन दोनों में। एंड आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 2011 के बाद से बेसबॉल वर्ल्ड कप को डिसकंटिन्यू करा गया। एंड आज भी हम जानते हैं कि बेसबॉल कितना स्ट्रगल कर रहा है पॉपुलरिटी में। इस स्टेट्स को देखने के बाद मेरे मन में एक ही सवाल बार बार आया, क्या क्रिकेट इज डाइंग? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एवरी हिडन ट्रूथ एंड व्हाई क्रिकेट इज डाइंग, एवरी डिटेल्स इन ए सिंगल वीडियो। कुछ दिन पहले मैं 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल मैच देख रहा था, जो हो रहा था साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। बारिश के कारण मैच को 43 ओवर्स में कराया गया। 43 ओवर्स में साउथ अफ्रीका ने 281 रन बनाया। एंड साउथ अफ्रीका टीम से उस समय था द लेजेंड्स लाइक हाशिन आमला, एबी डी विलियर्स, जेबी ड्यूमिनी, मॉर्नी मॉर्केल, फाइव डू प्लसी एक्सेट्रा। एंड डीएलएस के कारण साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 298 रन का टारगेट दिया। इस टारगेट को देखते हुए कोई भी आसानी से बोल सकता था कि ये मैच तो साउथ अफ्रीका ही जीतेगा। बट ग्रैंट इलियट की वो लाजवाब 84 रन नॉट आउट की वजह से ओनली एक बॉल रिमेनिंग से पहले, मतलब 42.5 बॉल में न्यूजीलैंड ने मैच को साउथ अफ्रीका से मुंह से छीन लिया। एंड व्हाई आई एम टेलिंग द स्टोरी, क्यों मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, क्योंकि इस मैच के बाद साउथ अफ्रीका की टीम्स प्लेयर्स ग्राउंड में रोते हुए दिखे। एंड अगर मैं इस सीन को याद करूँ अभी भी, शायद मैं ऐसा बोल सकता हूँ ऐसा सीनरियो मैंने क्रिकेट में कभी भी नहीं देखा होगा। एंड लास्ट टाइम मैंने साउथ अफ्रीका टीम्स में वो पैशन, वो स्पिरिट, वो हार्डवर्क, वो इमोशन, वो मैंने उस टाइम साउथ अफ्रीका की टीम में देखा था। वो कितना पैशनेट थे मैच को जीतने के लिए। एंड 2015 की वो दिन एंड आज के दिन साउथ अफ्रीका की टीम्स को कंपेयर करे तो साउथ अफ्रीका की टीम में वो हार्डवर्क तो दिखता है, लेकिन जो पैशन, जो स्पिरिट, वो जो इमोशन है टीम में, वो मिसिंग हो चुका है। मैं दावे से बोल सकता हूँ 2015 की वर्ल्ड कप ही ये आखिरी वर्ल्ड कप था जिसमें हमें वो पैशन, वो इमोशन, वो स्पिरिट देखने को मिला। एंड इसके बाद से जितना भी वर्ल्ड कप हुआ इसमें वो पैशन की कमी बहुत थी। वर्ल्ड कप हो रहा है और चला जा रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे इमोशन में। पहले था कि वर्ल्ड कप आ रहा है तो हम कितना पैशनेट हो जाते थे सुनकर, लेकिन वो टोटली गायब हो गया था। एंड क्रिकेट भी धीरे धीरे चेंज हो रहा था। के क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखते हुए मैं जब देख रहा था तो मेरे मन में एक ही सवाल आ जाता था कि क्रिकेट शायद दिस इज अ पीक पॉइंट, अभी क्रिकेट फॉल होना शुरू हो जाएगा, क्रिकेट भी स्लो डेथ की तरह मर जाएगा। बट 2022 की वर्ल्ड कप में मुझे कुछ होप दिखा। जब स्मॉल रैंक टीम्स ने अच्छे परफॉर्मेंस किया तो मुझे भी कुछ होप लगा। एंड 2024 की वर्ल्ड कप के लिए मैं बहुत ही पैशनेट हूँ, मैं उसको देखूंगा। एंड शायद अगर 2024 की वर्ल्ड कप में क्रिकेट कुछ ना कर पाए तो शायद मैं भी क्रिकेट देखना पर्सनली छोड़ दूंगा, क्योंकि 24 क्रिकेट के लिए और मेरे लिए भी बहुत एक इंपॉर्टेंट साल है। 2015 के बाद से क्रिकेट में एक डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इन चारों कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। इनफैक्ट पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी उसका फर्क देखने को मिला। एंड आज के टाइम में क्रिकेट सेकेंड नहीं, थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है। एंड आज के दिन में बास्केटबॉल दुनिया की सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है, क्रिकेट नहीं है। किसी भी स्पोर्ट्स को ना इसकी हिस्ट्री, इसका लेगेसी, इसको पॉपुलर बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहता है। बट ऐसा नहीं है कि क्रिकेट का कोई हिस्ट्री नहीं है, क्रिकेट का कोई स्पिरिट नहीं है। क्रिकेट भी फुटबॉल की जैसा ही एक स्ट्रांग हिस्ट्री रखता था। आज जहाँ पर फुटबॉल एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका है, अलग ही लीग में पहुंच चुका है, बट क्रिकेट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। 2022 की T20 वर्ल्ड कप स्टिल मुझे कुछ होप्स तो लगा, बट मैं उसको सक्सेस तो नहीं कहूंगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको सुन लो पहले। मे बी स्मॉल रैंक टीम्स लाइक नामीबिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, दे स्टैंड हायर रैंक टीम्स, बट कोई भी न्यू टीम का डेब्यू तो नहीं हुआ। बीते काफी वर्ल्ड कप में कोई भी न्यू टीम तो नहीं ऐड हुआ। एंड बात करें नेदरलैंड्स एंड यूए की, नेदरलैंड्स एंड यूए ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उनके जो प्लेयर्स है ना, एक और दो को छोड़ दे तो बाकी की फॉरेन प्लेयर है, मतलब कि उनके लोकल प्लेयर तो नहीं है। एंड कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे, नामीबिया, स्कॉटलैंड, आयरलैंड का जो मतलब कि टीम्स है वो तो नया टीम तो नहीं है, पुराना ही टीम है, लेकिन अभी अच्छा कर रहा है, जो इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन ये भी पुराना टीम ही है, मतलब रिवाइव हो रहा है अभी। यस, क्रिकेट इज डाइंग स्लो डेथ। नाउ आई एम टेलिंग यू द डार्क ट्रूथ ऑफ क्रिकेट।
जी हाँ, मैं वार्निंग देना चाहता हूँ वीडियो को, मैं अभी जो बातें मैं बता रहा हूँ शायद वो बातें थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, शायद वो बातें थोड़ा आपको मतलब कि कुछ अलग ही जोन में ले जा सकता है, तो आप वीडियो को छोड़ सकते हो क्योंकि अभी जो बातें बता रहा हूँ वो थोड़ा कड़वी बातें हैं। सो द मेन रीजन क्रिकेट इज डाइंग इज द ICC, जी हाँ, द इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड। आज जो आप देखते हो क्रिकेट दुनिया की टॉप 5 हाईएस्ट फॉलोड स्पोर्ट्स है इन टर्म ऑफ रैंकिंग में, अगर आप क्रिकेट से इंडियन टीम को हटा दो तो शायद क्रिकेट टॉप 5 तो छोड़ दो, टॉप 10 में भी पॉपुलर नहीं रह पाएगा। जी हाँ, सो आप कह सकते हो ICC के लिए इंडिया एक इम्पोर्टेंट मार्केट है एंड ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, ब्रांड्स, ब्रॉडकास्टर इंडिया की वजह से क्रिकेट आज इतना बड़ा स्पोर्ट्स है एंड इसके कारण से ICC ने ज्यादातर इंडियन मार्केट को ही फोकस किया, जिसके वजह से ICC ने ज्यादातर ज्यादा फैसला इंडिया सेंट्रिक लिया, मतलब कि इंडिया की फेवर में लिया, जिसके वजह से इंडिया में जैसा क्रिकेट का ग्रोथ होने लगा वैसे ही वर्ल्ड में क्रिकेट स्लोली स्लोली गायब होने लगा। 2015 के जो स्टोरी मैंने बताया था, अब इसके रिलेटेड मैं दूसरा स्टोरी बताता हूँ। जो मैच हो रहा था ना साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, वो मैच को देखने के लिए न्यूजीलैंड कैप्टन हैड ए प्ली टू देयर पीपल ऑफ एंड देयर सपोर्ट ड्यूरिंग सेमी फाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जी हाँ, न्यूजीलैंड कैप्टन ने सेम लाइक जहाँ पर हमारे सुनील छेत्री ने भी मुंबई में फेसबुक में लाइव आकर सबको कहा था कि मैच चलो देखो, वैसा सेम न्यूजीलैंड के कैप्टन ने भी करा था, वो सेमी फाइनल मैच था। एंड आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड एक लौता टीम है जो अगर अपने पिछली 5 एडिशन की वर्ल्ड कप को देखो तो 5वें एडिशन में न्यूजीलैंड ही एक लौता टीम है जो 5वें एडिशन में सेमीफाइनल में एटलीस्ट जा चुका है। वो टीम मतलब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई 100% करता है। एंड अगर मानो एक वर्ल्ड क्लास टीम में भी अगर व्यूअरशिप का इतना प्रॉब्लम है तो नीचे की जो टीम है उसके ऊपर तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। एंड जहाँ पर फुटबॉल में 2026 से 32 टीम की जगह 48 टीम्स खेलेंगे, पर वेब्स क्रिकेट में उल्टा हो रहा है, जहाँ पर 2015 की वर्ल्ड कप में 14 टीम्स पार्टिसिपेट करता था, आज 2023 की वर्ल्ड कप में जो होगा इस साल उसमें ओनली 10 टीम्स पार्टिसिपेट करेगा। एटलीस्ट 13 टीम्स को ICC ने ODI स्टेटस दिया है लेकिन ओनली 10 टीम्स सीरियसली। जब ये 10 टीम्स का फॉर्मेट ICC ने दुनिया पर इंट्रोड्यूस किया था तो बहुत ही सो कॉल्ड क्रिकेटिंग एक्सपर्ट ने ऐसा मतलब कि इसको सपोर्ट किया था एक प्रकार से। इसका सपोर्ट पे उन लोगों ने कहा था कि अगर मतलब कि ज्यादा टीम होगा, छोटी टीम आएगा तो कंपटीशन नहीं होगा वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप जैसे एक बड़े स्पोर्ट्स के लिए कॉम्पिटिशन कम होगा। मैं तुम सो कॉल्ड एक्सपर्ट को एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर इतना ही तुमको कंपटीशन देखने है तो 10 टीम्स में भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो 10 नंबर की टीम है वो तो 1 नंबर की टीम को फिर भी हरा नहीं पा रहा है, तो एक काम करते 4 और 5 टीम्स के बीच में एक वर्ल्ड कप रख देते, तब शायद होगा तुम्हारा मतलब कि जो कंपटीशन तुम देखना चाहते हो। मतलब सीरियसली कुछ सोचो इसके बारे में। माय थॉट इज वेरी क्लियर, द कंट्रीज लाइक नेपाल, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंट्रीज, इन कंट्रीज को ना ज्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि इस एसोसिएट कंट्रीज में जो प्लेयर्स जो खेलते हैं ना टीम में रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो 90% से 100% प्लेयर्स लोकल प्लेयर्स है, अनलाइक जहाँ पर आप आज के दिन देखते हो UAE, कतर जैसे कि अरब के जो मतलब प्लेयर्स है, जैसे हांगकांग ऐसे टीम्स में ज्यादातर इंडियन एंड पाकिस्तान, श्रीलंका ऐसे ओरिजिनेट के प्लेयर ही जाके खेलते हैं, मतलब कि लोकल प्लेयर्स अभी भी नहीं खेलता है। तो इन कंट्री को जो मैं बोल रहा हूँ कि नेपाल, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया और भी कंट्रीज है, उनमें 90% से 100% लोकल प्लेयर्स खेलते हैं, इन कंट्रीज को ज्यादा सपोर्ट करो। एंड डियर ICC, सभी क्रिकेटिंग बोर्ड को ना सेम वे से ट्रीट करो, एंड ऐसा नहीं कि तुम एक ही बोर्ड को ज्यादा पार्शियलिटी दो, जैसे कि आज के दिन में मैं देख रहा हूँ कि तुम BCCI को ज्यादा इंडिपेंडेंट देते हो। देखो आज BCCI नंबर 1 है, कल कोई और होगा, तो इसका मतलब ICC जब किसी और कंट्री के बोर्ड नंबर 1 होगा तो उसको इंडिपेंडेंस ज्यादा देगा, तो इसके बारे में क्रिटिसाइज करो ICC को। सो माय व्यू यही रहेगा कि सभी बोर्ड को, सभी क्रिकेटिंग बोर्ड को सेम वे से ट्रीट करो, जैसा आज के दिन में जो जियोपॉलिटिक्स खेलते हैं, मतलब कि इंडिया भी खेलते हैं, पाकिस्तान भी खेलते हैं क्रिकेट के ऊपर, फीफा के जैसा स्ट्रिक्ट रूल बनाओ। एंड ये एक लौता कारण तो बिल्कुल भी नहीं है कि क्रिकेट क्यों डाउन हो रहा है, क्रिकेट क्यों स्लो डेथ मिल रहा है क्रिकेट को, एक लौता कारण तो नहीं है, इसके ऊपर और भी कारण है जो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा एंड अगले वीडियो में मैं सो कॉल्ड BCCI को एक्सपोज करूंगा। तो गाइस, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, आई एम नॉट ए इंटरनेशनल, मैं दिल से इंडियन हूँ। सो कीप वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।